नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा एक्स और वाई में मेरे ख्याल से मैंने नंबर, अभी इसको चेक कर लेते हैं, एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन, एक मिनट, ये मैं कल इसको कर रहा था, ये पास भी हो जाता है आर्गुमेंट 1 4 0 2 9 1 4 12 आ गया, इसको हमने करना है 6 2 में, और एक मिनट, और साइज एक्स ट्रेन पी ये 6 है, 6 है, और 1 1 4 0 9 इंटू 6 डन। और जो वाई ट्रेन है उसका साइज देख लेते हैं, वाई ट्रेन, YTRAN, वाई ट्रेन, वाई ट्रेन, अच्छा वो ठीक है, ये एक है, ठीक हो गया, ये इसका ट्रांसपोज ना लेना हो, चले चेक करते हैं। मोस्टली फिर इसको कल मैं कर रहा था, इसका जो एक्चुअल है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसमें ये है कि ये यहाँ तक कॉल हो जाता है, बाहर आ जाती है, लेकिन वो एरर क्या देता है कि फ्लैटन लेयर में जब वो उसको लेकर चल रहा है तो रीशेप का जो फंक्शन यूज कर रहे हैं उसकी वजह से एरर आ रहा है, रीशेप की वजह से। तो इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा कि किसी तरह हम 2D वेक्टर को, 2D वेक्टर को किस तरह LSTM में पास करेंगे। मुझे अभी तक तो उसका सोल्यूशन नहीं मिला, मैं भी यहाँ पे कल स्टक हो गया था। CNN कॉल हो जाता है, वो ट्रेनिंग वाला कॉल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल आ जाता है, इसमें भी कोई एरर है मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल आ जाता है पहली ईपॉक पे, लेकिन उसको वो एरर देता है कि फ्लैटन लेयर पे जैसे वो नेक्स्ट टाइम कर रहा है तो उसके साइज का वो चेंज कर रहा है, और उसमें वो कह रहा है ये रीशेप का आपने जो फंक्शन यूज किया उसकी वजह से वो एरर आ रहा है। इस चीज को काइंडली थोड़ा सा चेक कीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं, ठीक हो गया जी। जी ठीक है ये सर, आप लोग भी सर्च कीजिएगा, मैं भी करूंगा, जिसको फिर होता है फिर उसको हम देखते हैं, बाकी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास वैलिडेशन वो नो इश्यू, उसमें जस्ट वो 2D आता रहेगा 1D के अलावा ना, वो भी मैंने नीचे भी चेंज नहीं किया था। तो अगर ये हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह ये हमारे पास मल्टी फीचर वाला जरा, और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर मैं देखता हूँ तो उसमें देखें बिजनेस तो है ही है, जो क्रॉप्स है हमारे पास फसलें हैं उसकी प्रोडिक्शन, अब उसकी प्रोडिक्शन में देखें एक पैरामीटर नहीं होता, एक पैरामीटर भी हो सकता है, मल्टीपल होते हैं, बारिश कितनी हो रही है, उसकी जो सॉइल है उसकी टाइप कैसी है, ठीक है, उसमें लास्ट ईयर या पिछले मंथ में कितनी पैदावार हुई थी, उसमें आपने फर्टिलाइजर कितना यूज किया है, इसमें आउटपुट एक ही होगी, आउटपुट क्या है आपने प्रिडिक्ट क्या करना है, इन तमाम डेटा की बेस पे आप नेक्स्ट पैदावार को जो उसकी प्रोडिक्शन है फॉरकास्ट है यील्ड की प्रोडक्शन को आप क्या करेंगे फॉरकास्ट कर देंगे। एक ये इसकी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन आ सकती है, बिजनेस की तो ऑलरेडी आ गई, डिजीजेस की आप फॉरवर्ड है जिस तरह फॉरवर्ड के या कोई भी डिजीज है उसके केसेस डे बाय डे आपके इंक्रीज हो रहे हैं, उसका फॉरकास्ट करना चाह रहे हैं जी कि नेक्स्ट में क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं ना, स्मार्ट करना चाह रहे हैं, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के हम लाइफ सेव कर सकें, तो उस तरफ इसको यूज किया जा सकता है। और लाइक कोई भी इस तरह के टाइम सीरीज जो प्रॉब्लम है ECG के ऊपर भी इसको, मतलब वो 2D इमेज क्या है, 2D वेक्टर ही है ना, उनके ऊपर उसकी बेस पे आप नेक्स्ट उसकी हार्ट बीट को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो, फिर प्रीवियस ECG तो आ रही है आपके पल्स रेट, आप उसकी बेस पे आगे फॉरकास्ट करते जाते हैं, अगर ये पल्स है तो नेक्स्ट 1 घंटे में इनकी पल्स रेट यहाँ पर आएगी, मीन्स कि हम इनको ये ट्रीटमेंट लेके चलते हैं इंस्टेड ऑफ दिस वन, तो इनकी ये पल्स रेट डाउन हो सकती है, ये इंप्रूव हो रहे हैं, लाइक दिस वन जो कोमा में पेशेंट्स होते हैं उनकी रिकवरी के लिए हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कोई डाटा लेके कि ये जी कब तक बेहतर हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो इस तरफ ये बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं, या कोई बिहेवियर्स को आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं किसी के, लेकिन उसमें ये कि प्रीवियस डाटा आपके पास अवेलेबल हो उनको आप दें और उसकी बेस पे आप नेक्स्ट उसको बिहेवियर्स को या ऑटो व्हीकल जो हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है जी, ऑप्टिमाइज करते हैं, राउटिंग अगर आप देखते हैं जी जो टाइम सीरीज डाटा होता है ना जो आपका कंजेशन वाला है, लेकिन वो क्या क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन नहीं है, लेकिन है वो भी टाइम सीरीज डाटा है, कि कंजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरी कर रही होती है, तो आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं LSTM के थ्रू कंजेशन ट्रैफिक की कि क्या होगी नेक्स्ट आवर में क्या होगी उससे नेक्स्ट क्या होगी, तो इस जगह पे आप LSTM और प्लस
नेक्स्ट में हम सेशन रखेंगे जिसमें CNN प्लस LSTM दोनों यूज होते हैं। CNN से आप फीचर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद फ्लैटन लेयर लगाते हैं। फ्लैटन लेयर क्या करता है, उसको 1D में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद आप क्या कर लेते हैं LSTM लगा देते हैं, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इसमें मैं आपसे एक सो लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसमें इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें ना मैंने वो आर्टिकल भी एक तो आपको हेल्पिंग आर्टिकल लास्ट टाइम शेयर किए थे, तो इसमें इसका बड़ा अच्छा उसने एक्सप्लेन किया हुआ कि LSTM में जो इसका, चलो मैं थोड़ा सा फ्लो आपको बता ही देता हूँ। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यहीं पे मैं उसको कर देता हूँ LSTM। अब ये देखे ना, ये उसने उसका बताया LSTM का आर्किटेक्चर ना कैसे आप बना सकते हैं डिफरेंट के ऊपर ना। खैर यहाँ पे अच्छा एक चीज और, मैंने भी अनसॉर्टेड सॉर्टेड नहीं किया डाटा। समटाइम ये होता है कि ना आप पहले उनको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्टेड में ये होता है कि वो ना ये सीक्वेंस पेंडिंग कर लेता है ना, सीक्वेंस डाटा है ना, सीक्वेंस पेंडिंग से वो रिजल्ट समटाइम बेहतर आ जाते हैं। और वो डिपेंड करता है कि सॉर्ट करने से डाटा की उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। कुछ डाटा होता है जिसको आप सॉर्ट नहीं कर सकते, जैसे डेज वाइज है ना, उसको अगर हम सॉर्ट करेंगे तो वो डाटा सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसमें कहते हैं डाटा अगर हम सॉर्ट भी कर लेते हैं तो उससे हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारी प्रिडिक्शन है शेयर्स की इस तरह की बात करते हैं उसका तो हमारे अर्ली बेसिस पे बड़ा फर्क पड़ रहा होता है, तो उसमें हम उसको सॉर्ट नहीं करेंगे। तो वो सॉर्टेड अनसॉर्टेड इसका ये आर्किटेक्चर है जी LSTM का। ये जो LSTM ब्लॉक्स है ना, जो मैंने 200 ब्लॉक्स रखे थे ना, ये वो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक बन जाते हैं। इनमें आपने कोई इनिशियल स्टेट हमने पहले वो दी थी। अब इसमें होता क्या है कि ये आप नीचे से उसको नंबर ऑफ फीचर्स दे रहे हैं वो उस पे, और ये इनिशियल स्टेट्स की बेस पर क्या करता है, नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स कैलकुलेट करता है और नेक्स्ट को इनपुट दे देता है। उससे अगला यूनिट कैलकुलेट करता है, सो ऑन, ये करते करते ये करता है, फाइनल स्टेट आपको एज अ आउटपुट दे रहा होता है। ये एक LSTM है। आप मल्टीपल LSTM लेयर भी सीक्वेंस में क्रिएट कर सकते हैं कि पहले LSTM लगा उसकी जो आउटपुट आ रही है उसको फिर अगले LSTM में दे, तो मल्टीपल LSTM के लेयर भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये एक सेल के अंदर, ये जो एक LSTM ब्लॉक है ना ये वाला, इसके अंदर फर्दर क्या होता है, ये चीज होती है कि इसमें 3-4 गेट्स होते हैं, फॉर गेट और आई इनपुट था, ओ आउटपुट था और जी भी एक था गोल आई थिंक सो, ठीक है। तो इसमें ये अब एफ ये वाला स्ट्रक्चर इंटरनल कैसे काम कर रहा है, इसमें देखे ना दो लाइनें इधर से आ रही है, ये आ रहा है और ये दो आउटपुट आ रही है, ये काम कैसे कर रहा है ये देखे। इसमें ये ऊपर वाला है इसको CT-1 का आ गया, ST आप इसी का वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हैं, और ये आपके पास XT आ रहा है। अब ये देखें कैसे कैलकुलेट हो रहा है, दो आउटपुट है, ये CT कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये उसने नीचे मैथ भी लिख दिया आपके पास ना। F कैसे कैलकुलेट हो रहा है, H इंटू ये दो आएंगे, ये आपके पास F आ जाएगा, F इसमें और CI होगा तो यहाँ पर आएगा। G कैसे आ रहा है, इसमें दो इनपुट मल्टीप्लाई होकर G आ रहा है, G और I सम होंगे प्लस ये वाली टर्म सम होगी तो CT बनेगा, और H कैसे आ रहा है, इन तमाम को ये नीचे उसकी इक्वेशन भी लिखी गई है, ये उनके वेट्स हैं, WI जो I के साथ वेट एसोसिएटेड है, WF जो F के साथ एसोसिएटेड है, WG जो G के साथ है, और O वाले O के साथ है, और इनके फिर रिस्पॉन्सेज भी होंगे RI RG RF RO, और हर एक की बायस भी होगी BF BG BI BO। ये हर एक ब्लॉक के अंदर है, ये मैं जस्ट एक ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, दिस वन इस ब्लॉक की बात हो रही है। यही चीज इस ब्लॉक में भी है, इस ब्लॉक में भी है, इस ब्लॉक में भी है। तो इनको फिर कैसे कैलकुलेट किया गया, ये देखिए मैथमेटिकल इक्वेशन भी दिखाई गई है। जो CT आया है डेट इज FI एक्सक्लूसिव और CT-1 एक्सक्लूसिव और की जगह आप यहाँ पर सॉरी ये है हेडमर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है जी, जो एलिमेंट वाइज आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्सक्लूसिव और नहीं है, ठीक है। और ये H कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये उसकी इक्वेशन है, और ये उसने फिर बता दिया। देखें इनपुट गेट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, इसने इक्वेशन भी लिख दी है उसी से, ये फॉरगेट गेट की, ये सेल कैंडिडेट की, और ये आउटपुट स्टेट की। और फिर इसमें हम आगे बता देते हैं, ये इक्वेशन आ गई, और देखें उसमें मैंने आपको बताया था कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो रहा है, सिग्माइड। आपके पास दो थे, एक लेयर पे टैन हैपर बोला था, एक पे सिग्माइड था, तो आप उसको यूं लिखेंगे कि जो गेट एक्टिवेशन फंक्शन है वो लेट्स मैं ज़ूम कर रहा हूं, दैट इज अ टैन हैपर बोला, और जो आपके पास फॉरगेट वाला है लेट्स फॉर दैट इज अ सिग्माइड। तो सिग्माइड में आप ये इक्वेशन लिख देंगे उसमें ये, तो ये आपका मैथमेटिकल मॉडल होगा जो भी LSTM को यूज करेगा। लेकिन इसको काइंडली अपने वेरिएबल्स को चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंगली, और ये उसके स्ट्रक्चर्स हैं। और इसके अलावा मैंने आपको दो वो आर्टिकल भी शेयर किए हुए थे, हेल्पिंग आर्टिकल्स, एक उसमें LSTM का भी था, उसमें भी ये इक्वेशन उन्होंने यूज की हुई हैं। मैं उसको भी दिखा देता हूँ,
अगर हो तो LLSTM इसमें था या किसी और में था, और पेपर इसी फॉर्मेट पे लिखना है जो मैंने आपको लास्ट टाइम गाइड किया है। अब ये इसने पीछे CNN लगाया और उसके आगे ये LSTM है ये, और इसने मल्टीपल LSTM यूज किए हैं, LSTM एक LSTM दूसरा तीसरा में फिर एन ब्लॉक्स है और फिर आगे उसको वो लेके चल रहा है। इसके भी आगे तीन टाइप्स है, सीक्वेंस टू वन, वन टू सीक्वेंस, सीक्वेंस टू सीक्वेंस। ये उसने वो वेरिएबल ये देखें, ये वही इक्वेशन है यूज की गई, चार आई आई एफ जी आई, और ये देखें वही चीज जो हम यूज कर रहे हैं, एस टी क्या यूज हो रहा है, टेन हैपरबोला और टेन हैपरबोला, ठीक है, जो जी में यूज हो रहा था और दूसरे पे क्या था। तो ये आप ये इसको यू एक्सप्लेन कर देंगे, ये जो पेपर मैंने आपसे शेयर किया होगा पहले जिसके अकॉर्डिंगली, और फिर उसके बाद फिर मल्टी लेयर LSTM, पहले क्या था सिंपल एक था रेक्टर न्यूरल नेटवर्क, ये आ गया एक LSTM, फिर उसमें उसने बताया मल्टी लेयर LSTM, कि वही चीजें क्या है मल्टीपल लेयर में आपके पास चल रही है ना। ये देखें पहले LSTM है, उसकी जो आउटपुट आ रही है अगले में जा रही है, उससे अगले में जा रही है, सो ऑन, और ये वो आपने उसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता दी है। और बाकी इसमें फिर LSTM के दो बाई डायरेक्शनल भी होता है, सिंपल भी होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उस चीज को। अब ये देखें ना ये डेटा था, ये उन्होंने जब उसको किया तो उसके रिजल्ट वेर एंड सो ऑन। एक मिनट वेट कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम। मैं डैडी कितनी देर तक डांट ठीक हो गया भाई, मैं भी बस 15 मिनट तक वहां पर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ठीक हो गया जी। तो इसको अब यूं लेके चलेंगे, ठीक है सर, इसको आप भी कीजिएगा, और इसमें अगर ये सोल्यूशन सॉर्ट आउट किसी को मिलता है तो मुझे भी काइंडली भेजिएगा, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो डाटा सेट है वो 2D है मोस्टली। मैं भी इसको सर्च आउट करता हूँ, इंशाल्लाह ये एक पॉइंट पे स्टक हुए हैं, वो जैसे ही होता है तो इंशाल्लाह उस चीज को फिर हम लेके चलते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि CNN को और LSTM को यूज करेंगे, वो किस किस तरह की एप्लीकेशन पे यूज होगा जो इमेजेस बेस्ड है उसमें, तो उसमें वो या वीडियो। अब ये जो पेपर है ना, वीडियोस ली गई हैं, उन वीडियोस से फ्रेम्स सेट किए गए हैं और उन फ्रेम्स को आगे लेबल किया गया कि उसमें क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है ना, लाइक दिस वन। तो फिर हम इस तरफ इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लुक करें, ठीक हो गया सर? कोई क्वेश्चन? डन, डन सर, ठीक हो गया, यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा काइंडली तमाम लोग लेफ्ट कर दीजिएगा, दो लोगों के अलावा मुनीर साहब और मैम सदफ। रिकॉर्डिंग स्टॉप करने चाहिए मुनीर साहब?